काफी टाइम से कोई ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि अपने पास कोई कंटेंट नहीं मिल पा रहा, या इनफैक्ट कंटेंट जो होगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के लिए लेके आऊँ या दिखाऊँ। तो आज मैंने सोचा कि आपसे सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो के माध्यम से कनेक्ट होता हूँ। बाकी ऐसे छोटे मोटे तो रील जो हैं वो कभी कभी बनाता रह रहा हूँ ताकि आपसे जुड़ा रहूँ, आपसे हमेशा जुड़ाव बना रहे, आपको ऐसा नहीं लगने लगे कि मैंने तो ब्लॉग बनाना ही बंद कर दिया, वीडियो ही बनाना बंद कर दिया। जिंदगी में क्या है, हमेशा उथल पुथल चलता रहता है, आपाधापी चलता रहता है। कई बार अच्छी चीज़ें होती है, कई बार अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं जो आपको पसंद नहीं, लेकिन जो होना है वो तो होता रहेगा और वो होगा ही। कई घटनाएं आपके जीवन में ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है लेकिन वो आपके साथ घटित हो जाता है। कई अच्छी चीज़ें कई बार ऐसी होती है जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो, पता भी नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें आपके साथ होती है और एक ज़बरदस्त सा बदलाव आ जाता है। ज़िंदगी में अक्सर हम लोगों ने कई बार सुना है बचपन से अभी तक कि जब भी आपको लगे कि आगे से कोई सारे रास्ते बंद हो रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, वहाँ एक आगे से और रास्ता खुलता है जो उससे बेहतरीन सफ़र को लेके जाएगा, उससे बेहतरीन मंजिल को लेके जाएगा। तो आज सिर्फ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से इसीलिए जुड़ा था कि मैं अपनी बातों को कह पाऊँ। पिछले 2-3 महीना से प्रोजेक्ट क्या है हमारा एंडिंग की तरफ है, ख़त्म के कगार पर है, और अगले 2 महीना में ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो भी जाएगा। सारे लोग इस ऊहापोह में हैं, इस व्यस्तता में हैं कि पता नहीं अगला सफ़र कहाँ होगा, कौन से शहर में होगा, क्या लोकेशन होगी और क्या रहेगा ज़िंदगी में, वहाँ की स्थिति कैसी होगी, वहाँ क्या चलेगा। सारे लोग परेशान हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है, जो निर्धारित है वो हो के रहे। इसलिए परेशान ना हो, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और बुरे से बुरे स्थिति के लिए तैयार रहें। ये आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों से जुड़ाव के लिए था, आप लोगों से बात करने के लिए था और आप लोगों से मिलने के लिए था। फिर मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।